ये मैंने 2 किलो आम लिया है। इसको मैं साफ़ पानी में धोकर और इसको मैं अच्छी तरह से काट ली हूँ पतले पतले टुकड़ों में। फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दिया हुआ है और थोड़ा इसमें थोड़ा नमक भी डालती हूँ। नमक और हल्दी या जो भी मसाला इसमें डालना है हम उसको साफ ही रखेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से इसे मिलाते हैं। इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे धूप में रखेंगे। जब तक धूप में रखेंगे तब तक इसका पूरा पानी सूख नहीं जाता है। उसके बाद से हम लाकर फिर इसमें अचार के लिए आम बिल्कुल रेडी है। सूख भी चुका है काफ़ी अच्छी तरह से। मैंने 6 से 7 घंटे तक इसको धूप में डाल रखा था और ये बिल्कुल अचार डालने के लिए रेडी है। इसको मैं सबसे पहले इसमें नमक मिलाऊंगी, हल्दी, ये करीब 3 से 4 चम्मच तक धनिया पाउडर, मंगरैल, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर, अजवाइन पाउडर, ये सौंफ। सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से इसमें मिला दूंगी ताकि चारों तरफ मिक्स हो जाए। ये सरसों का तेल मैं इसमें डालूंगी। दो किलो आम में करीब आप आधे लीटर के करीब इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। नमक आपको कम लगे तो आप नमक पीछे डाल सकती हैं अपने स्वादानुसार, कम या ज़्यादा जैसा आपको रखना हो, क्योंकि पहले से इसमें हल्दी और नमक डालकर हमने धूप में सुखाया था इसमें उसके हिसाब से नमक डाल रखी है। और तेल यदि आपको कम लगे थोड़ा और तेल डालिए। इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तेल को काफ़ी अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि आम में चारों तरफ तेल मिल जाए। मिल गई थी तो मैं इसमें मिर्च पाउडर भी ऐड कर देती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। यदि ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप और भी डाल सकते हैं। और ये मेरे पास चमन आम अचार मसाला रखा था जो कि मैं किराने स्टोर से लाई हूँ। ये आपको मिल जाएगा 55 रुपये का। तो मेरे पास तो बचा पड़ा था, मैं इसमें डाल रही हूँ। आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा इसमें इसको भी मिक्स कर देती हूँ। और इसको हम मिक्स करते अच्छी तरह से इसको भी हम मिला लेंगे। इसे मिलाते जाएंगे ताकि हमारा जो भी मसाला है काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
और इस तरह आप आम का अचार बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगा आप लोगों को। बनाइए और एक साल तक इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। ये मेरा आम का अचार तैयार हो गया, इसे मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। यदि आपके पास कांच का डब्बा हो तो कांच के डिब्बे में रखिए, नहीं तो आपके पास यदि पड़ा हो प्लास्टिक का डिब्बा तो आप इसमें भी भर के रख सकते हैं। और डिब्बे में भर के रखने के बाद आप इसे एक हफ्ते तक धूप डेली दिखाते रहिए। Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had to. हाँ तो ये अचार अब बन चुका है, इसे हम करीब एक हफ्ते तक धूप दिखाएंगे। काफी अच्छी तेज धूप में इसको डाल देंगे, तो धूप आप इसको दिखाते रहिए और उसके बाद से आप इसको कहीं सूखे जगह पे, नमी जगह पे ना, सूखे जगह पे इसको रखना है। और इस तरह आप इसे रोटी, अचार, दाल, चावल के साथ खा सकते हैं। इस तरह से आप आम का अचार बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी होगा और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। कोई मेहमान घर में आ जाए, कोई भी आ जाए।